चुनाव करीब आते ही मध्य प्रदेश सरकार पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल बाईपास को मंजूरी दे दी है। ये बाईपास हुजूर विधानसभा के अधिकांश क्षेत्र को कवर करेगा। चुनावी साल में शिवराज कैबिनेट ने भोपाल बाईपास को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद विधायक रामेश्वर शर्मा गदगद है, क्योंकि बाईपास का अधिकांश क्षेत्र हुजूर विधानसभा को ही कवर करेगा। 3,000 करोड़ की लागत से बनने वाले बाईपास में एक रेलवे ब्रिज, 2 फ्लाईओवर और 15 अंडरपास बनाए जाएंगे। निश्चित है इससे शहर के बढ़ते ट्रैफिक में खासी कमी आएगी। हालांकि इस मंजूरी के बाद चुनाव में भाजपा की गाड़ी किस रफ्तार से दौड़ेगी, ये तो जनता ही तय करेगी। नीलवड़, रातीवड़ और फंदा और इधर से कोलार जाते हुए नर्मदापुरम मार्ग को जोड़ने वाला कोई रिंग रोड नहीं था, जो मध्य प्रदेश सरकार ने आज स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से हमारे लगभग 80 से 85 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। साथ में गांव में उद्योग, नए यूनिवर्सिटी, नए कॉलेज और नए व्यापार के आयाम छुएगा। और ये रिंग रोड बनने से क्षेत्र के विकास में 4 चांद लगेंगे। इसके आने से भोपाल की यातायात व्यवस्था को लाभ होगा और हिजूर विधानसभा की और आसपास क्षेत्र की लगभग 15 से 20 लाख की आबादी को प्रतिदिन इसका लाभ मिलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।